भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, अक्षरा सिंह और मधु शर्मा की फिल्म माँ तुझे सलाम थिएटर में दस्तक दे चुकी है। जी हाँ, बिहार, झारखंड और कोलकाता में ये फिल्म एक साथ रिलीज हुई है और रिलीज होते ही फिल्म को बम्पर ओपनिंग मिली है। आइए जानते हैं कि फिल्म की स्टोरी क्या है और इसको 5 out of कितने मार्क्स मिलने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिल्म की बिगनिंग से। तो फिल्म में पवन सिंह बने हैं आर्मी ऑफिसर जो एक सीक्रेट मिशन पे होते हैं। और हाँ, यहाँ हम आपको एक बात बता दें, अगर आपको सनी देओल की फिल्म द हीरो याद है तो आप समझ लीजिए कि आपने माँ तुझे सलाम पूरी देख ली। सनी देओल की फिल्म द हीरो और माँ तुझे सलाम की स्टोरी काफी मिलती जुलती है। द हीरो में जैसे सनी देओल एक आर्मी ऑफिसर होते हैं और सीक्रेट मिशन को अंजाम देते हैं, ठीक उसी तरह पवन सिंह भी इस फिल्म में एक आर्मी ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं और कई सीक्रेट मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं। इस फिल्म में उनका बारी बारी से साथ देती नजर आएंगी अक्षरा सिंह और मधु शर्मा। हाँ, यहाँ आपको बता दे कि फिल्म में ये हीरोइनें सिर्फ एंटरटेनमेंट भर का काम करती हैं और इससे ज्यादा इनके रोल में आपको कुछ और दिखाई नहीं देगा। हाँ, आपको यहाँ ये बात बता देते हैं कि पवन सिंह के एक्शन की फिल्म में भरमार है और एक्शन भी पवन सिंह ने बखूबी किया है। एक सीन तो पवन सिंह का फिल्म में ऐसा है जहाँ पवन सिंह पेड़ उखाड़ते न दिखेंगे आपको, जो कि गदर के सनी देओल के नल उखाड़ने वाला सीन याद पूरी तरह से दिला देता है। चलिए अब बात करते हैं फिल्म के डायलॉग की। तो भाई, भारी भरकम डायलॉग से लबरेज है ये फिल्म। पवन सिंह के साथ साथ फिल्म में हर कोई भारी भरकम डायलॉग के साथ है। पवन सिंह के बाद अगर फिल्म में किसी ने अपना ध्यान दर्शकों की तरफ आकर्षित किया है और सिनेमा थिएटर में उसके लिए ताली बजी है तो वो है प्रकाश जैस। जी हाँ, कॉमेडियन के तौर पे प्रकाश जैन ने जितनी वाहवाही फिल्म में बटोरी है काबिले तारीफ है। प्रकाश जैस के हर सीन पे दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के गानों की। तो फिल्म में एक गाना है जो आजकल लोगों के जुबान पे चढ़ा हुआ है, गाना बोरो प्लस लगो लेवानी, जो पवन सिंह और मधु शर्मा के साथ फिल्माया गया है और गाना आपको खेसारी लाल यादव के फेयर एंड लवली वाली याद दिला देगा। खैर, अगर आप पवन सिंह के फैन हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए और ये पवन सिंह का अपने फैंस के लिए 15 अगस्त का तोहफा है, क्योंकि फिल्म में कई ऐसे मौके आते हैं जब आपको भारतीय होने का गर्व पवन सिंह महसूस कराएंगे। फिल्म में कई ऐसे डायलॉग हैं जहां उसे सुनकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। खैर, अगर फिल्म के लिहाज से देखा जाए तो यह फिल्म पूरी तरह से इंटरटेनर है। और आपको यहां बता दे कि ये पवन और अक्षरा की इस साल की आखिरी फिल्म है। जी हाँ, और फिल्म में भी इनकी केमिस्ट्री काबिले तारीफ है। इनकी केमिस्ट्री तो वैसे भी हमेशा दर्शकों को बहुत पसंद आती है, लेकिन ये फिल्म ये दोनों के लिए कुछ खास होने वाली है। फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देते हैं तो हम दर्शकों से कहेंगे जाइए, और अगर आप पवन सिंह के फैन हैं भी और नहीं भी हैं तो देखिए फिल्म, क्योंकि पवन सिंह इस बार आपको अपना फैंस जरूर बना लेंगे अगर आप पवन सिंह के फैन नहीं हैं तो। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।